नमस्कार सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान नेट बंद को लेकर इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है कि 24 घंटे के लिए जो है इंटरनेट बंद रखा जाएगा उदयपुर की घटना के मामले को लेकर के। तो दोस्तों ये अपील की गई है कि यदि कोई परेशानी आती है तो इंटरनेट को बंद किया जाएगा। कुछ जगह आदेश भी जारी हो गए हैं कि यहाँ आप इतने बजे से इतने बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, परंतु अभी तक इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, इसलिए आप चिंता ना करें। और आपकी इंटरनेट बंद हो या कोई कुछ भी चीज़ हो, आपकी परीक्षा समय पर होगी। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप बहुत सारी जो है चीज़ों को ना देखें, आप अपने समय को वेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, भटकाने वाली बातों पर बिल्कुल भी ना आए। आपकी परीक्षा सही समय पे होगी और परीक्षा बिल्कुल 100% होगी, चाहे आपकी परीक्षा कल की हो चाहे आपकी परीक्षा 23 तारीख की हो। आपको तीनों आदेश मैं बताता हूँ, पर परीक्षा जरूर होगी। देखिएगा यहाँ पर ये रही अपडेट। कार्यालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग में जो है इंटरनेट सेवा बंद की जाती है कितने बजे से कितने बजे तक, देखिएगा आप अपडेट। परंतु जो है देखिएगा उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के समस्त जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने हेतु निर्देश किया गया है। केवल निर्देश किया है, अभी तक बंद नहीं हुई है। तो बता दूं कोटा संभाग में जो जो जिले आते हैं, जैसे कोटा हुआ, बूंदी, बारा, झालावाड़ में दिनांक 28/6/2022 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 29/6/2022 की रात्रि 10 बजे तक, यानी कि 24 घंटे तक अस्थायी निलंबन किए जाने की जो है निर्णय लिया गया है इंटरनेट को। अभी तक कोई इंटरनेट बंद नहीं है किसी भी ज़िले में, आपको बता दूं। पर आप लोगों से एक अपील करता हूं, यदि आपके पास अभी ई मित्र की दुकान है, यदि आपने एडमिट कार्ड वगैरह नहीं निकाला है तो आप एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लें अभी, या अपने कोई दुकानदार है उसे सीधा फ़ोन कर दे कि भाई मेरा एडमिट कार्ड निकाल दे। यदि कोई समस्या होती है, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, समस्या होगी या फिर आप क्या करो, SSOID के माध्यम से आप खुद ही अपने घर पे अभी एडमिट कार्ड निकाल लो। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर रखा है तो अभी तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, आप लोगों से मेरी अपील है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ साथ में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना के भाई फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, जिससे आप लोग घबराएं नहीं, आप लोगों में जो है उत्साह और जो है आपके लिए तैयारी है वो जारी रहे। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। साथ में यहाँ पर कहा गया कि लीज लाइन ब्रॉडबैंड को छोड़कर 2G 3G 4G डाटा इंटरनेट सर्विस वगैरह जो है सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे। केवल लीज लाइन और ब्रॉडबैंड को छोड़कर सारे डाटा इंटरनेट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा रखा है यदि तो वो बंद नहीं होगा, उसको छोड़ के सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह तो निकला सकते हैं आप में से भी। तो ये दोस्तों ये अपडेट है, आप देख सकते हैं कोटा के जो संभाग आयुक्त हैं उन्होंने दी है। उसी के अलावा यहाँ पर जयपुर से भी दोस्तों अपडेट है, जो जयपुर के यहाँ पर जो मामला है वो देख सकते हैं, ये घटित कांड को लेकर के ये मामला सामने आया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो जो जानकारी बंद है वो सारी जानकारी यहाँ पर बता रखी है। पर यहाँ पर अपडेट है कि 5:30 बजे से, यहाँ पर आदेश है कि 5:30 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए, यानी कि 29 तारीख तक 5:30 बजे तक इंटरनेट बंद है जयपुर में। पर अभी तक कोई इंटरनेट बंद नहीं है जयपुर में भी, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, आपके पेपर को बिल्कुल शांतिपूर्वक आयोजित करवाया जाएगा, आपके पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर मुख्य सचिव है उषा शर्मा, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ मामला संभाल लिया है। और अभी दोस्तों जांच कमेटियाँ वगैरह ये बैठा दी गई है और NIA की टीम भी आ रही है। अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया है इस कांड को देखते हुए। तो दोस्तों ये एक जो है बिल्कुल गंभीर घटना है। ठीक है, आपको इस गंभीर घटना को अभी गंभीर नहीं लेना है, आप लोगों को गंभीर लेना है दोस्तों। क्या है, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को गंभीर लेना है। जो आपकी 29 तारीख यानी कि कल एग्ज़ाम है और 30 तारीख को एग्ज़ाम है, सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जो मैंने पढ़ाने की चीज़ें आपको दे रखी है उन्हें पढ़िए। करंट अफेयर्स भी डाल दिए मैंने कल के पेपर के लिए, और राजस्थान GK में भूगोल, कला संस्कृति वगैरह जो भी है, जो पार्ट आपके आने वाला है वो सब कुछ मैंने अवेलेबल करवा दिया राजस्थान GK का सारा। तो आप उसे पढ़िएगा, आपके पास समय अभी तो समय का काम लीजिएगा। कोई इंटरनेट बंद वगैरह से कोई आपकी परेशानी नहीं होगी, परीक्षा पेपर समय पे होगा। सभी से अपील है, फिर से अपील कर रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।